بسم الله الرحمن الرحیم अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व्यूअर्स एसएल सिस्टम के इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन है फॉर द एसएल आइगन वैल्यू प्रॉब्लम डी स्क्वायर यू और डी एक्स के प्लस लैम्डा यू इज इक्वल टू जीरो यू डैश जीरो इज इक्वल टू 0 एंड यू डैश फाइव इज इक्वल टू 0 वेरीफाई द फॉलोइंग जनरल रिजल्ट्स देर आर एन इन्फिनट नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज विद बट नो लार्जेस्ट हमने ये साबित करना है कि इसकी इन्फिनिट नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज हैं और उनमें से सबसे छोटी आइगन वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है लेकिन बड़ी आइगिन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती यानी वो चलती जा रही हैं यानी वो अनबाउंडेड अब हैं बाउंडेड बिलो तो हैं लेकिन अनबाउंड अब हैं ये इस तरह से भी पूछ सकता है स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करती है लार्जेस्ट एग्जिस्ट नहीं करती

वो आ जाता है माइनस अंडर ए साइन इसमें हम बाउंड्री कंडीशन पुट करते हैं X 0 और U 0 करें. तो आपके पास ये आ जाता है बी इज इक्वल टू जीरो इस वैली को 3 में करें तो जो यू डैश माइनस रहता है अंडर ए साइन रूट लैम्डा एक्स इसमें अगर आप एक्स इज इक्वल जीरो पुट करते हैं तो आपके पास आ जाता है माइनस अंडर ए साइन अंडर लेकिन ए चुके जीरो नहीं है अगर ए भी जीरो आ चुका है ए भी जीरो आ गया तो सोल्यूशन जो है हमारा यू जीरो आ जाएगा तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए हमें ए को फिर नॉन लेना है ए नॉन जीरो तो फिर वही चीज जो है साइन फाइव अंडर रूट लेमडा वो जीरो आ जाएगी तो ये इसका मतलब है फिर आ जाएगा आपके पास फाइव लेमडा इज इकूड एन पाई क्योंकि साइन जीरो कहाँ होता है एन पाई के ऊपर तो ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक जो सॉल्यूशंस निकाले हुए हैं वहाँ पे फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर था वो आई थिंक थर्टीन या फोर्टीन तो उसमें आपने ये निकाले हुए हैं साइन जीरो जब होगा तो फिर आ, 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 वो एक्स की वैल्यू जो एन पाई आती है यहाँ फिर फाइव अंडर रूट उमडा की वैल्यू एन पाई आ जाएगी

N से डिनोट कर दिया। तो हर lambda, हर आइगन वैल्यू को करस्पॉन्डिंग एक आइगन फंक्शन होगा इसलिए उनको आइगन फंक्शन को हमने की एन से डिनोट कर दिया। with a smallest बात तो ये जो है ये इनफिनट है आप अगर गौर करें तो ये हमारे पास इन आइगन वैल्यूज है ये कैसे N 0 to 1 to 3 so तो इसलिए ये हमारे पास जो है और वो ये कह रहा है कि स्मॉलेस्ट इसमें कौन सी होगी आइगन वैल्यू जरी बताए नहीं जीरो पुट कर दें तो आपके पास जो है वो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू आती है लेमडा नॉट इज इक्वल टू जीरोसली नो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू उसके बाद लेमडा नॉट तो आपके पास आ जाएगा स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू लेकिन लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कोई नहीं आएगी कि वो चलती जा रही है आगे बढ़ती जा रही है देखें जरा आपके पास वैल्यू आप पुट करते जा रहे हैं एन की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव ये है ना एन की वैल्यू तो जैसे जैसे आप एन आप बढ़ाते जाएंगे आइगन वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ना एन का लार्जेस्ट नंबर मिलना आपको लार्जेस्ट एन नहीं इसलिए लार्जेस्ट आइगन वैल्यू भी नहीं मिलेगी आपको तो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू आपको मिल गई है नॉट इज इक्वल टू जीरो द आइगन फंक्शन टू द एंथ आइगन वैल्यू गिवन बाई ये आपके पास आ गया ठीक है जी इसके बाद आप जरा इसको और से देखें

यहाँ एन इज इक्वल जीरो पुट करें तो यू नॉट आपके पास आ जाएगा सी नॉट कॉज जीरो एन की जगह आप जीरो पुट करेंगे तो कॉ जीरो एज तो एक्सपेक्टेड no अब इसमें नॉट जो है वो आपका नॉन जीरो है और ये हमें उम्मीद यही था कि जब एन इज इक्वल टू तो आपके पास यानी फर्स्ट आइगन वैल्यू हो तो उसमें नंबर ऑफ जीरो, जीरो फंक्शन के नहीं होने चाहिए करस्पॉन्डिंग टू तो फर्स, फर्स्ट फर्स्ट आइगन वैल्यू सेकेंड आइगन वैल्यूज के लिए

इसके फंक्शन जो है कि आपके पास जो आइजन फंक्शन आएगा इसका एक जीरो आना चाहिए इसमें जीरो फंक्शन तो अब यानी जीरो ऑफ़ फंक्शन फंक्शन पे जीरो हो जाए तो हमने ये किया कि सकते थे ना यू नॉट एक्स को आप देखेंगे वो ये नू यू नॉट एक्स जाते नॉट आ गया वो तो जीरो पुट हो नहीं सकता था जो है वो सी नॉट आ गया वो तो जीरो नहीं हो, हो सकता पुट और उसको जीरो होना चाहिए भी नहीं था वहां जीरो निकलना भी नहीं है क्योंकि वो आइगन वैल्यू जो है वो फर्स्ट आइगन वैल्यू है या ये देखा ना एन माइनस वनगन वैल्यू के लिए यानी वैल्यू के लिए आपके पास एन माइनस वन एग्जैक्ट जीरो होने चाहिए तो जब आपके पास फर्स्ट आइगन वैल्यू आएगी तो फिर उसमें तो कोई जीरो नहीं आना चाहिए फंक्शन का वेन एन इज इक्वल टू वन यून एक्सल इसको अगर हम यू वन एक्स को जीरो पुट करें फंक्शन का जीरो निकालने के लिए तो फिर हम देखते हैं सी वन कॉज पाई एक्स और फाइव जीरो होता है और यहाँ से आप आपके पास आ जाएगा पाई और जीरो, जब आप आगे जाएंगे तो यानी ये जीरो कहाँ कहाँ पे होता है और तो सिर्फ अगर हम दो लें तो एक्स की वैल्यू आ जाती है फाइव बाई टू और फिफ्टीन बाई टू अब वो जो इंट्रावल हमें दिया हुआ है जीरो टू फाइव उसमें फाइव बाई टू तो लाई करती है लेकिन फिफ्टीन बाई टू उसमें लाई नहीं करती तो अब आप गौर से देखें कि फिफ्टीन बाई टू बिलोंग टू दिस ओपन इंटरवल जीरो टू फाइव एंड ओनली फाइव बाई टू बिलोंग्स टू जीरो सो जीरो हमारे पास आइगन फंक्शन आया है जो ये वाला था यू वन वाला कि ये आइगन वैल्यू कौन सी है सेकंड यू लेमडा वन जो है वो सेकंड आइगन वैल्यू है उसमें आइगन फंक्शंस के एग्जैक्टली exactly एक जीरो एग्जिस्ट करना चाहिए और वो एग्जैक्टली exactly एक जीरो एग्जिस्ट कर गया है फाइव बाई टू दूसरा तो जीरो इंटरवल के अंदर लाई नहीं करता देर इज नो अदर जीरो इन दिस इंटरवल देर द आइगन फंक्शन यू हैज एग्जैक्टली वन जीरो इन दिस इंटरवल जीरो फाइव

ये अगर इसके जीरो निकालने हैं तो यू टू एक्स को अगर हम जीरो के बराबर पुट करें वी हैव प्रूव दैट फंक्शन टू द थर्ड आइगन वैल्यू लैम्डा हैज एग्जैक्टली टू जीरो अगर आप इसको जीरो पुट करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू जो है सिर्फ दो ही आएंगी जो इंटरवल के अंदर लाई कर रही हो इट्स जीरो लाई ये आपको किस तरह करेंगे ये हमने प्रूव करना है वो ये ये कहा जा रहा है वी हैव टू प्रूव दैट दिस फंक्शन ये जो आइगन वैल्यू आपके पास टू आई है जो के याद रखें थर्ड आइगन वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग हमने करना है कि इसके जीरो की तादाद दो है वो दो कैसे आती है ये थर्ड है तो थर्ड आइगन वैल्यू को करस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली टू जीरो होंगे जो कि थ्री माइनस वन के बराबर है तो ये प्रूव करने के लिए हम जरा इसको जीरो के करते हैं कॉज टू पाई एक्स ओवर फाइव जब हम ये जीरो को बराबर पुट करते हैं तो द फर्स्ट जीरो आपके पास बनता है यानी यहाँ से आप देखें ना फिर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू निकालेंगे आप पहला ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू फाइव बाय टू हो जाएगा पाई बाय टू हो जाएगा और वहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी फाइव पाई बाय फोर इसी तरह सेकेंड आइगन वैल्यू जो है वो सेकेंड जीरो आपका किस किसके कॉरस्पॉन्डिंग किस तरह निकलेगा इसको आपने जीरो पुट किया हुआ है तो ये मल्टीपल आने है, एक निकाल लिया था एक निकाल लिया था पाई टू, वहां से आपके पास की वैल्यू फाइव पाई बाई फोर आ गई दूसरा थ्री पाई बाई पुट करेंगे ना आप तो वो थ्री पाई बाई टू पर आपके पास एक्स की वैल्यू फिफ्टीन बाई फोर आती है और तीसरा जो है वो हम पुट करते हैं फाइव पाई बाई टू ऑर्ड मल्टीपल मैं फिर आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन था कॉज इज इक्वलो ये उस वक्त होगा जब इसका ये वाला जो एंगल है ये ऑर्ड मल्टीपल पाई अपू एक ऑर्ड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हमने पाई बाई टू ले लिया वहां से आपके पास एक्स की ये वैल्यू निकली है इसी तरह हमने दूसरा ऑर्ड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू लिया थ्री पाई बाई टू और वहां से आपके पास एक्स की वैल्यू जो निकली है वह जो जीरो निकला वो ये निकला इसी तरह हमने एक और इसका ऑर्ड मल्टीपल पाई बाई टू लिया फाइव पाई बाई टू और उससे जो एक्स की वैल्यू निकल रही है वो देख लें कि आपके पास एक्स की वैल्यू क्या निकल रही है

the second eigen function u1 corresponding to lambda1 has exactly one zero the third eigen function u2 has exactly two zeros and the fourth u3 corresponding to exactly has three zeros to ab yahan tak humne nikala tha aage hum conclude kar lete hain ye u2 humne nikala hai ki u2 corresponding to lambda2 has exactly two zeros so continuing this way we conclude that